90,000 किलोमीटर के अराउंड चल चुकी है गाड़ी, और ये सारे लाइट्स जो पहले वर्किंग नहीं कर रही थी वो स्टार्ट की है गाड़ी अब। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखें और ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। तो आज जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं ये है टोयोटा क्राउन, 2003 तक आई थी ये गाड़ी। फॉर सेल नहीं है, जस्ट फॉर रिव्यू, रिव्यू बनाने के लिए गाड़ी अरेंज करवाई है। फॉर सेल नहीं है, वैसे पाकिस्तान में ये गाड़ी आपको मिल जाती है कुछ 26 लाख से 34 लाख के दरमियान, डिपेंडिंग ऑन दी फीचर्स और कंडीशन गाड़ी की क्या है। ये वाली रॉयल सलून है, इसमें रॉयल सलून जी भी आती थी, उसमें कुछ अलग फीचर होते हैं, उसका हम वीडियो के दौरान डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंजन की बात करते हैं, 3000 सीसी इंजन इस गाड़ी में इक्विप्ड आता है, और जो अब आजकल प्रेजेंट क्राउन चल रही हैं उसमें 2500 ज़्यादा आता है, 3000 की ट्रिम्स भी आती है, लेकिन वो थोड़ी सी स्पोर्टी गाड़ी हो जाती है। अब इसके फीचर देखते हैं, सुनाएं हमारे साथ। फ्रॉम द फ्रंट आपको प्रोजेक्शन लाइटें मिलती हैं हाई लो बीम असिस्ट के साथ, लाइट की जो शेप है काफ़ी खूबसूरत है, और अगर आप फ्रंट देखें तो नॉर्मल गाड़ी से काफ़ी चौड़ा फ्रंट है। क्रोम की ग्रिल विद क्राउन का जो लोगो है टोयोटा अलग यूज़ करता है वो। फ्रंट से बड़ी मैसिव किस्म की गाड़ी है, मतलब आप देख के खुद अंदाज़ा लगा लें। 15 इंचज़ का इसमें अलॉय रिम आता है क्राउन का, रॉयल सलून का ओरिजिनल रिम है, यही क्राउन रॉयल सलून में आया था। हालांकि आप देखें इसमें डिस्क ब्रेक भी मौजूद है, और साइज़ आपको अंदाज़ा हो जाएगा गाड़ी की बॉडी के हिसाब से। ये देखें फॉग लैंप्स इंस्टॉल्ड मिलते हैं, और ये बम्पर पे आप क्रोम की रल लाइनिंग देख रहे हैं, ये इस चीज़ को शो करता है कि ये गाड़ी एक लग्जरी फैमिली से बिलोंग करती है। लुक आप चेक करें रिम्स वगैरह, ये देखें ये बोनेट को कितना बोनेट निकला हुआ है, ये शो करने के लिए क्रोम का मिलता है। बास गाड़ियों में इसमें इंडिकेटर भी इंस्टॉल्ड होता है, कुछ में नहीं भी होता है, ये चीज़ बड़ी नोट करने वाली है। इससे आपको अंदाज़ा रहता है गाड़ी का बोनेट कितना निकला हुआ है, तो उसी हिसाब से आपको गाड़ी चलाने में ज़रा आसानी रहती है। आपको ऑटोमेटिक वो मिरर्स मिलते हैं, और आप इस गाड़ी की एक थीम देख रहे होंगे, ये जो ग्रीन ग्रीन सा सारा गाड़ी के आगे पीछे साइड मिरर्स, ये गाड़ी को यूवी रेस से महफूज रखने के लिए, जो लोग अंदर बैठे हैं उनको अंदर से भी आपको दिखाऊंगा ये ग्रीन शेड्स आते हैं। ये मर्सिडीज़ जीएनडब्ल्यू में भी आते हैं, लेकिन क्राउन जैसा कि आपको पता है जापानी मर्सिडीज़ गाड़ी है। ये देखें साइड पर ना आपको क्राउन का एलुमिनियम का लोगो मिलता है, और ये नई रॉयल सलून में भी आ रहा है, एथलीट में ये नहीं आता है, एथलीट थोड़ी स्पोर्टी गाड़ी होती है। और ये देखें टू टोन कलर का इसका एक्सटीरियर है। सो अगर हम रेयर की बात कर लें तो आपको 3 ब्रेक लाइट्स मिलती हैं, और मेरा ने ख्याल पुराने मॉडल्स में किसी गाड़ी में 3 ब्रेक लाइट्स मिलती थी, इंडिकेटर लाइट और रिवर्स लाइट, क्राउन का लोगो और रॉयल सलून का। जो अब आजकल न्यू चल रही है इन्होंने लोगो चेंज नहीं किए, रॉयल सलून का भी लोगो सेम इसी फॉन्ट के अंदर आ रहा है। हाई माउंटेड ब्रेक लैंप, ओवरऑल रेयर लुक आप इस गाड़ी की देख लें। पीछे से ये लिंकन की गाड़ी, लिंकन की तरह भी लगती है, लिंकन की गाड़ियाँ भी ऐसी खुली खुली होती थी। बीस्ट है यार ये, यकीन करें 3000 सीसी और वो भी सेडान, बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है माशाल्लाह। जिन्होंने ओनर की भी गाड़ी उन्होंने अच्छी रखी हुई है, साफ़ सुथरी। सो व्यूअर्स जी इस गाड़ी की चाबी है, अभी आपको अंदर इंटीरियर में लेके चलते हैं, दिखाते हैं क्या फीचर है क्या नहीं। आए हमारे साथ। सो साइड्स पे आपको स्टैंडर्ड पावर विंडोज़, बड़ी गाड़ियों की तरह सारी ऑटोमेटिक है, सेंट्रल लॉकिंग, और ये वुडन ट्रिमिंग आप गाड़ी में देख रहे हैं ये रॉयल सलून में ही आती है, एथलीट में नहीं आती। ये देख लें पूरी वुडन ट्रिमिंग जा रही है पूरी गाड़ी में, टोटल ही गाड़ी में आपको वुडन ट्रिमिंग नज़र आएगी, स्टीयरिंग में भी आपको वुडन ट्रिमिंग नज़र आती हैं। रिट्रैक्टेबल मिरर्स आपको यहाँ मिलते हैं, एयर बैग इस गाड़ी में आपको मिलते हैं, सीट्स के आपको नी एयर बैग भी मिलते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक सीट्स हैं। सो अगर मीटर की बात करें तो 180 टॉप स्पीड है इस गाड़ी को, स्टार्ट थोड़ा यूनिक कर पा रहे, थोड़ा ज़्यादा शोरूम पे कंजेस्टेड जगह पे खड़ी हुई है। आरपीएम मीटर जिसमें रॉयल सलून जी होती थी उसमें यहाँ पर ही आपको बटन आते थे, उसका ये फ़ायदा था कि आप डिजिटल एनालॉग दोनों मीटर यूज़ कर सकते थे,
ऑडियो यूनिट चेक करें, जिस ओनर की भी गाड़ी, उन्होंने गाड़ी तकरीबन अंदर बाहर से जेन्युइन ही रखी हुई, हालांकि यहाँ अगर टीवी लग जाए तो बहुत बड़ा टीवी लगेगा। ऑडियो यूनिट पूरा है, टेम्परेचर सेटिंग, उसके साथ साथ ये देखें ऐसे एक क्राउन लिखा हुआ है, और ये डिस्क की सेटिंग है जब ऑडियो पे आपने गाड़ी चलानी हो। ये देखें बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। ये देखें जैसा कि आपको पता है लग्जरी गाड़ियों का यही चक्कर होता है कि इनमें इतने फीचर ये दे देते हैं कि इन गाड़ियों के पैसे भरते हुए आपको दुख नहीं होता। सिगरेट लाइटर भी मौजूद है, और बिल्कुल एट सेम टाइम एस्ट्रे भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, नॉर्मल है, सीवीटी नहीं है। ये शिफ्ट लॉक है, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि जैपनीज़ गाड़ी है तो जैपनीज़ में लिखा हुआ है। ये दो ग्लास होल्डर हैं, अगर यहाँ पर वो अगर आप हटा दें सेपरेशन तो यहाँ मोबाइल भी आ जाता है। ये देखें जी, तीन मोड हैं, पावर मोड, ECT और स्नो। स्नो पे ये गाड़ी अपनी ट्रैक्शन अच्छी देती है, मतलब गाड़ी फिसलती ही नहीं है। और ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने के लिए, ये देखें जी EPB, ये पार्किंग ब्रेक है। ये देखें जी बहुत बड़ा इसका वो आर्मरेस्ट है। सो ये ओवरऑल लुक देखें, ये देखें, ये फीचर चेक करें, कोई भी चीज़ रखनी है, छोटा मोटा डॉक्यूमेंट, शनाख्ती कार्ड वगैरह, वो यहाँ रख सकते हैं आप। और ये ग्लव बॉक्स, बेज कॉम्बिनेशन का इसका इंटीरियर है। सो देखें आप, एंजॉय करें। सो वैनिटी मिरर्स आपको मिलते हैं इस गाड़ी में, ये ग्लासेस होल्डर, ये लाइट्स, और यहाँ भी आपको वैनिटी मिरर मिलते हैं। सो इंटीरियर आपने देखा। सो ये देखें पीछे आपको ट्रंक खोलने के लिए यहाँ मिलता है, नई क्राउन में भी इसी तरह है, और ये इलेक्ट्रिक सीट्स। सो व्यूअर्स रियर पे जाते हैं, देखते हैं क्या सीन है। रियर पर आ गए जी, चार लोग ही बैठ सकते हैं, सीट्स फैब्रिक सीट्स है। और ये देखें यहाँ पर भी आपको सारे ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं, वॉल्यूम अप डाउन करने, है थोड़ा बेसिक सा लेकिन लग्जरी है। ये पीछे पकड़ने के लिए लाइट्स, हर चीज़ आपको मिलेगी, पावर विंडो, एश ट्रे भी इस गाड़ी में आती है, हर फीचर इस गाड़ी में है जो होना चाहिए। बस मेंटेनेंस थोड़ी सी है, मुश्किल होती है करवाना, सस्ती है लेकिन महंगी, सस्ती है लेकिन मुश्किल होती है कि मतलब इजीली मैकेनिक नहीं मिलते। ग्लास होल्डर्स, और ये देखें वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कुछ जगह दो ग्लास होल्डर्स, बड़ा अच्छा फीचर है यार ये क्राउन का। ये देखें ये फ्रंट ड्राइवर की सीट जो है ये आपको इलेक्ट्रिक मिलती है, पैसेंजर की सीट, सॉरी लाल बटन दबा दिए। सो व्यूअर्स इस गाड़ी का फाइनल वर्डिक्ट इस गाड़ी के बारे में, ये गाड़ी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 25 से 34 हज़ार ये गाड़ी मिल जाती है, डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन, किस सिटी की रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ वगैरह। फ्यूल एवरेज की बात कर लें तो 3000 CC इंजन है इसकी फ्यूल एवरेज, टू मच गुड नहीं कह सकते, लेकिन जो इस गाड़ी के ऑनर क्लेम करते हैं वो 8 से 10 करते हैं शहर में, और 11 से 13 हाईवे, डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल। रीसेल इस गाड़ी की बस ठीक है, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जिस गाड़ी को क्राउन का पता है कि हाँ चीज़ क्या है, वो इस गाड़ी के पैसे भरता है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टोयोटा क्राउन रॉयल सैलून 2001 मॉडल। आई होप यू लाइक ओवर वीडियो, इफ यू लाइक ओवर वीडियो क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल मोटर रिव्यूज, एंड प्लीज क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फर्स्ट। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो कर सकते हैं, हमारे पेज का नाम है मोटर रिव्यूज। आइंदा मजीद आपके लिए अच्छी गाड़ियों के बाइक सीरीज भी लेके आते रहेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।